एक पुलिस मुलाजम की शरेआम गुंडागर्दी सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। दरअसल जांच करन पहुंचे इस पुलिस मुलाजम दे वलों एक मुंडे दे मुंह ते थप्पड़ मारिया गया। दरअसल जानकारी अनुसार दो तरह के विचकार झगड़ा हुंदा है ते उन्हां दे वलों शिकायत पुलिस नूं दित्ती जांदी है ते पुलिस मुलाजम यह जदों मौके ते पहुंचदा है ते एक धिर दे व्यक्ति तो 5000 रुपए रिश्वत मंगी जाती है। ना देने की सूरत दे विच उसनूं किसी झूठे मुकदमे च फसाउण की धमकी दी जाती है ते जदों ओह ना कर दिंदा देण तो तां गुस्से दे विच आए पुलिस मुलाजम दे वलों मूँह ते उसदे थप्पड़ मार दिता जाता है ते एक कोड़ ही लगे सीसीटीवी दे विच सारी घटना कैद हो गई है। खबर मथुरा तो सामने आई है जिथे कि एक पुलिस मुलाजम की शरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। हालांकि इसी पुलिस मुलाजम के उत्ते कवरेज के दौरान एक पत्रकार के उपर भी लाठियां मारन के इल्जाम लगे ने कि एक पत्रकार के उत्ते भी इस पुलिस मुलाजम के वलों हमला किया गया सी ते हुण यह दूसरी घटना इस पुलिस मुलाजम की सामने आई है। तो मथुरा तो यह मामला सामने आया जिथे एक पुलिस मुलाजम की शरेआम गुंडागर्दी सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। दो धिरां दा झगड़ा निपटाउण पहुंचे इस पुलिस मुलाजम दे वलों एक धिर दे मुंडे तो पैसों की मांग की जाती है। ना देने की सूरत दे विच कहा जा रहा है कि उसके वलों उस मुंडे दे थप्पड़ मार दिता जाता है। मेरा नाम आरिफ खान निवासी मोहल्ला पठानपाड़ा। आज सुबह कस्बा इंचार्ज मनोज चौधरी मेरे भाई के विषय में एक झगड़े की रिपोर्ट के विषय में घटनास्थल के जानकारी के लिए आए थे और मनोज चौधरी कस्बा इंचार्ज आते ही मुझसे पूछने गाली गुप्ता करने लगे और बोले कि तुम्हारे भाई से झगड़ा कहाँ हुआ था वो घटना बताओ। मैंने कहा सर हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और जो भी पुलिस का थाने का हमसे होगा हम सब करेंगे, पहले भी किया और अब भी करेंगे। कुछ समय पहले 10 या 15 दिन पहले मेरे भाई का झगड़ा किसी व्यक्ति से हो गया था तो उसके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट थी थाने में, तो उसके विषय में मुझसे पूछने आए थे कस्बा इंचार्ज मनोज और दो अपने पुलिस स्टाफ के साथ में। जिसके बाद मैं आगे बढ़ा, मेरे घर के बराबर में मेरी दीवार के सहारे उन्होंने ले आकर मुझसे कहा कि तुम मुझे 5000 रुपये दो वरना इसके साथ तुम्हें भी मैं तमंचे में या किसी नशीले पदार्थ में रखूंगा या कोई आपराधिक मुकदमा लगाऊंगा। मैंने कहा सर मेरे पास 5000 रुपये नहीं है, रिपोर्ट करने वाले ने मेरे भाई के नाम रिपोर्ट की है या वो देखते हैं आपस में वो दोषी है या जो भी है, वो आपका और कानून का काम है। सर मेरे पास 5000 रुपये नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, आप मुझे क्यों उसमें इन्वॉल्व कर देंगे। हम उससे गाली गुप्ता करते मारपीट की, गाली गलौज की और बोले घटनास्थल पर ले चल। फिर मैं घटनास्थल पर ले गया हूँ, घटनास्थल पर ले जाने के बाद फिर मुझसे पूछने लगे कहाँ से कहाँ घटना हुई। मैं बताने लगा कि सर यहाँ से यहाँ ऐसे मारपीट हुई है, फिर मुझसे फिर मारपीट की, जो मारपीट मेरी सीसीटीवी कैमरे में आ चुकी है। मैंने अपनी शिकायत राया थाने में कोतवाल साहब को दी है जिस पर मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर कानूनी कार्रवाई थाना राया से नहीं होती है तो मैं बड़े अधिकारियों के पास जाकर न्याय की मांग करता हूँ।